I love stories, I love stories. Oh, do you? Oh, do you? So join me on the journey. Lovely, lovely stories just for you, just for you. Hello and welcome to Story Time. आपको पता है ना, जंगल में बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं और उन्हीं एनिमल्स में आज हम सुनेंगे क्लेवर रैबिट एंड फुलिश लायन की स्टोरी। एक बार एक जंगल में लायन रहता था। उसके वॉइस सुनकर जंगल के सारे एनिमल्स डर कर भाग जाते थे। जो ये लायन था वो क्या करता था, रोज बहुत सारे एनिमल्स को मारकर खा जाता था। इस तरह सारे एनिमल्स जो थे बहुत वरीड हो गए और उन्होंने क्या किया है पता आपको, उन्होंने एक सीक्रेट मीटिंग बुलाई और उसमें ये डिसाइड किया कि हम लोग जंगल के राजा लायन के पास जाकर के बात करेंगे। तो सभी लोग लायन के पास जाते हैं बात करने के लिए और जो लायन था वो सो रहा था। तभी उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि सारे एनिमल्स खड़े हुए हैं। तो वो गुस्से में बोला, तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो, यहाँ क्या करने आए हो। तभी एनिमल्स बोला, महाराज हम आपसे बात करने आए हैं, आप रोज बहुत सारे एनिमल्स को मारकर खा जाते हैं, इस तरह तो सारा जंगल खाली हो जाएगा। हमने ये सोचा है कि हम रोज आपके पास एक जानवर भेजेंगे जिससे कि आपको शिकार के लिए ना जाना पड़े। तो जो जंगल के राजा था लायन, उसने क्या किया, वो हंसने लगा। I like the plan, पर एक बात ध्यान रखना, अगर तुम लोगों ने अपना प्रॉमिस तोड़ा तो मैं सारे एनिमल्स को मारकर खा जाऊंगा। फिर इसी तरह क्या हुआ, रोज एक ना एक जानवर लायन के पास जाने लगे। तभी एक दिन आई एक बनी रैबिट की बारी और वो लायन के पास जाने के लिए मस्ती में गुनगुनाते हुए जाने लगा। देखो देखो मेरी शान, लंबे लंबे मेरे कान, हरी घास और गाजर खाता, दक्कर दौड़ लगाता, निंग 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 निंग। तो इसी तरह वो मस्ती से चलने लगा। जाते जाते उसने सोचा कि मैं ऐसे इतनी जल्दी लायन का खाना नहीं बनूंगा, मैं उसको सबक सिखाऊंगा। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया और वो लायन के पास जाने लगा और जाते जाते वो दौड़ते 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 हाँ के बोला, महाराज महाराज महाराज। तो उसको देखते ही लायन जो था गुस्से में बोला, तुम इतनी देर से क्यों आए हो, मैं कब से इंतजार कर रहा था, मैं बहुत भूखा हूँ, और ये क्या तुम इतने छोटे से हो अकेले आए हो। तो जो रैबिट था उस
उसने कहा, महाराज मैं अपने साथ अपने बाकी साथियों को लेके आया था, लेकिन मुझे रास्ते में एक दूसरा लायन मिल गया और उसने मेरे सारे साथियों को मारकर खा लिया। मैं जल्दी से जान बचा के आपके पास आया कि मैं आपका खाना बन सकूं। तो लायन जो था गुस्से में बोला, कौन है वो दूसरा लायन? चलो मुझे उसके पास ले चलो, मैं उसको मार के खा जाऊंगा, मैं उसको मार डालूंगा, चलो। तो उस बनी ने बोला कि हाँ हाँ महाराज, चलिए चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ। तभी वो लोग चलते 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 पहुंचे एक वेल के पास, जहाँ पे बहुत सारा पानी भरा हुआ था। तो रैबिट ने था जो लायन को बोला, महाराज ये देखिए इसी वेल के अंदर वो दूसरा लायन है। तो जो लायन था उसने उसके अंदर झांक के देखा, तो उसमें क्या दिखा, पानी के अंदर उसकी शैडो दिखी। तो उसने गुस्से से उसको मारने के लिए वेल पे छलांग लगा दी और उसी में वो डूब के मर गया। और जो रैबिट था वो बहुत खुश हो गया और खुश होते 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 फिर से गाना गाने लगा, डिंग 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 डिंग, देखो देखो मेरी शान, लंबे लंबे मेरे कान, हरी घास और गाजर खाता फुदक फुदक कर दौड़ लगाता, डिंग 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 डिंग। तो इसी तरह से सारे एनिमल्स ने रैबिट को थैंक यू बोला, क्योंकि रैबिट ने अपनी बुद्धि से अपनी चतुराई से सारे एनिमल्स की जान बचाई और खुद की भी जान बचाई। तो बच्चों इस स्टोरी का क्या मॉरल था? इसका मॉरल था घमंड नाश का कारण होता है। ओके थैंक यू एंड बाय बाय।